हाय, मैं हूं लोकनाथ पटेल और आप देख रहे हैं इंस्पिरेशनल एंड सक्सेस टॉक। एंड सक्सेस फॉर्मूला के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्या आप भी बहुत सारे सक्सेस कमाना चाहते हैं? क्या आपको बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज होने के बाद बहुत सारे इंटरव्यू में आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है? क्या आप अपनी कंपनी में अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप लोगों से मिलने के बाद आप लोगों से इंटरेक्ट अच्छे से नहीं कर पाते हैं? आप उनसे रिलेशन अच्छे से नहीं बना पाते हैं? क्या आप जिंदगी में बहुत सी सफलताओं से चूक रहे हैं? क्या आप जिंदगी में उस सफलताओं को अचूक हासिल करना चाहते हैं? तो चलिए आज कुछ टिप्स इसी के बारे में बात करने वाले हम, जिसे हम शारीरिक हाव भाव या बॉडी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज का हमारे सफलता में क्या रोल होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है और बॉडी लैंग्वेज को समझने की कला। चलिए स्टार्ट करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज का सफलता में क्या रोल होता है। हर व्यक्ति जीवन पर अनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव तो अवश्य पड़ता है, लेकिन इसके साथ ही यदि वह चाहे तो वह स्वयं भी बहुत ही खुशियों अपने अंदर में विकसित कर सकते हैं। आपने कभी न कभी तो यह महसूस किया ही होगा कि कुछ लोगों के साथ बात करने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। मुस्कुराता हुआ चेहरा हर किसी को भाता है। चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में चमक जैसे बॉडी लैंग्वेज खुश मिजाजी तो दिखती है, साथ ही आपसे मिलने वाले को भी खुशी का महसूस होने लगता है। मुस्कुराने में कुछ नहीं जाता, लेकिन इससे कई बातों का मूल्यांकन किया जा सकता है। जिस तरह साफ सुथरा पहनावा सुरुचि का परिचायक होता है, उसी प्रकार अच्छा बॉडी लैंग्वेज भी सफलता का परिचायक बन सकता है। देखते हैं क्या होता है बॉडी लैंग्वेज। आप सब ने देखा होगा प्लेयर्स, स्टूडेंट्स, पॉलिटिशियन या किसी यंगस्टर को दो उंगलियों को ऊपर उठाते हुए। आप बिना उनके कुछ बोले ही समझ जाते हैं कि उनका कहना है हम जीत रहे हैं, हम जीतेंगे। इस एक प्रकार से ये लोग बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए। बॉडी लैंग्वेज दरअसल शारीरिक संकेतों और भाव भंगिमाओं की भाषा है, और यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बोलने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना। मैं एक टीचर हूँ और मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, बॉडी लैंग्वेज का बखूबी इस्तेमाल करता हूँ। जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि टॉपिक समझ में आया या नहीं, तो स्टूडेंट टॉपिक समझ में न आने पर यदि झूठी बोलते हैं तो मैं उनके बॉडी लैंग्वेज से उनका झूठ पकड़ लेता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट मुँह से तो हाँ बोलते हैं लेकिन उनकी ठीक उसी समय उनका सिर न की मुद्रा में हिल रहा होता है या उनके बॉडी लैंग्वेज में से ये शुरू होता है कि उन्हें समझ में नहीं आया। तो हम किसी बॉडी लैंग्वेज को कैसे समझ सकते हैं? आमतौर पर जब लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनकी सफलता पूछे हुए सवालों के सही जवाबों से ज़्यादा उनकी व्यक्त करने के ढंग पर निर्भर करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिखित परीक्षाओं में अच्छे खासे नंबर पाने वाले इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। दरअसल ऐसे लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर हो जाती है। इसीलिए एक बात का ध्यान रखें, इंटरव्यू में सफलता सभी जवाबों से अधिक उनके एक्सप्लेन करने के ढंग पर निर्भर करती है। इंटरव्यूअर आपकी हाव भाव आदि से लियाकत का पता लगा लेता है। बोलने वाले वही वक्ता सफल होता है जो सुनने वाले का मूड भाप ले, उसी मुताबिक कॉन्फिडेंस के साथ बोले। उस्ताद बिस्मिल्ला खां के बारे में कहा जाता है कि
वो अपने से कभी तय किए कर नहीं करते थे कि फंक्शन में क्या सुनाएंगे। वो मंच पर बैठकर श्रोताओं का मूड को समझते थे, देन उसके बाद तय करते थे। बॉडी लैंग्वेज में आंखें सबसे महत्वपूर्ण होती, तो लोगों के बीच के संबंधों को सबसे बेहतर ढंग से आंखें ही व्यक्त करती। सच में तो यह है कि लोग एक दूसरे से जितना कुछ कहते हैं, उसमें से 10 से 20 गुना ज्यादा वे आंखों के हाव भाव के जरिए कह देते हैं। यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है कि जब लोग एक दूसरे के साथ हाथ के इशारे से या जबान से अभिनंदन करें, तभी अभिनंदन संपन्न होगा, क्योंकि कई बार आंखें ही किसी का अभिनंदन कर लेती हैं, चाहे वह व्यक्ति मुंह से कुछ बोले या ना बोले। और कभी-कभी जब हम कुछ बोलते हैं, तो तब एक दूसरे की समझ में नहीं आता, जब तक कि हमारे शरीर के विभिन्न हाव भाव भी साथ साथ ही उस बोले हुए शब्द का अभिनय के जरिए एक प्रारूप तैयार ना करें और एक तस्वीर साथ में न गढ़ दें। क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि दिमाग कोई चीज तभी ग्रहण करता है जब उसकी एक पिक्चर बनती है। इसीलिए जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं, तो तुरंत हमारे जहन में उसका एक पिक्चर बन जाती है। आपने यह भी देखा होगा कि अगर किसी से आप आज मुलाकात करते हैं, तो आज से अगर वो 15 से 20 साल बाद आपसे मिलता है, तो आपको उसका चेहरा याद रहता है, बट उसका नाम याद नहीं रहता। तो हम बातचीत के दौरान उसी पिक्चर के अनुसार बोलने की कोशिश करते हैं। बॉडी लैंग्वेज का प्रभाव का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब हम तकनीकी रूप से कहते हैं कि फला के कहने का मतलब यह है, तब हम दरअसल यह कह रहे होते हैं कि हम अमुक व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव का यह निष्कर्ष निकालते हैं। आमतौर पर हाव भाव को समझने की क्षमता हर व्यक्ति में होती है, लेकिन इसका स्तर सब लोगों में अलग अलग होता है। जो व्यक्ति किसी के बोले बिना उसे उसके हाव भाव से उसकी अनकही बातों को समझ लेता है, वह व्यक्ति अपने जीवन या करियर में सफल होता है। तो मेरे दोस्तों, आप देखिए कि एक सक्सेसफुल इंसान का बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है। आप ऑब्जर्व कीजिए लोगों को, उनके बॉडी लैंग्वेज से आप क्या एक्सप्लेनेशन निकाल रहे हैं, क्या मतलब समझ आ रहा है, और आप अपने बॉडी लैंग्वेज को करेक्ट करते जाइए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, आपको मिलते हैं नेक्स्ट। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.